व्हाट्स अप गाइस, मजा आने वाला है। ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे एक नई वीडियो आ चुकी है निश्चय भाई की। थारा भाई जोगिंदर इज द फनीएस्ट इंस्टाग्राम रीलर ओ भाई साहब, और फेक हेल्पिंग प्रैंकस्टर्स ऑफ फेसबुक। तो भाई ये वीडियो कैसी होने वाली, साथ में एंजॉय करते हैं वीडियो को, और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, कभी कोई रोस्ट भी होता है तो कभी कोई वो नहीं होता है पसंद। और हर एक रोस्ट में ये भी बोला जाता है पहली बात तो कि किसी का किसी को हेट मत दिया करो। और साथ में देखते हैं वीडियो, और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, और किन वीडियोस पे आपको रिएक्शन चाहिए जरूर बताना कमेंट करके, और गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा। तो भाई अब हमने दिन का एक व्लॉग डालते हैं और एक रिएक्शन डालते हैं, तो भाई ऐसे प्यार देख रहे हो, व्लॉग हमारे दिन में आ जाता है, तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, और आप आइडियाज भी देते रहा करो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 1 2 3 गो। क्या कर देखा, लाइटर रख के बूम लेगा हाथ में जला के। तो ये बात है कल शाम की, मैं ऑनेस्टली बहुत परेशान हो गया था। YouTube, Instagram कहीं भी चले जाओ बस एक ही चीज चल रही है। भाई आज मोमोज खाने का मन कर रहा है मेरा, मोमोज। जो जोगिंदर खरा भाई, जोगिंदर इतने मोमोज खाएगा, इतने मोमोज खाएगा, इतने मोमोज खाएगा किसी ने सोची ना होगी। आप भी सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना चाहते हैं तो घबराइए मत। देखिए टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं चाहिए, बस बड़ी बड़ी आंखें करिए, उसके बाद ऐसी गंदी शक्ल बनाइए जैसे आपको बहुत दिनों से पॉटी नहीं आई है, इसके बाद छाती पीटते हुए यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इतने मोमोज खाएगा, इतने मोमोज खाएगा। और बनाइयो आप भी सोशल मीडिया पर एक मीम बन चुके हैं, इतने मोमोज खाएगा। अरे किसी ने पूछा तुझसे, पूछा नहीं कुछ, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इतने चने खा जाएगा, इतने चने खा जाएगा किसी ने सोची नहीं होगी। इतना पिज्जा खाऊंगा जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इतना पिज्जा खाएगा, इतना पिज्जा। जो लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है, जोगिंदर उनके लिए एक प्राइम एग्जांपल है, भगवान है ये उन लोगों का, देवता। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को फोन मिलाना है तो जोगिंदर की स्क्रिप्ट क्या होगी, यो जोगिंदर बीटी और चेस्ट ट्वाइस, थारा भाई जोगिंदर बीटी और चेस्ट ट्वाइस, आज इतने फोन करेगा बीटी और चेस्ट ट्वाइस, आज इतने फोन करेगा बीटी और चेस्ट ट्वाइस, किसी ने सोची नहीं होगी बीटी और चेस्ट ट्वाइस। साथ साथ वो बड़ी बड़ी आंखें और पॉटी वाली शक्ल जरूरी है। भाई थारा भाई जोगिंदर अपने मामा का जा रहा तांगा लेके, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर तांगा इतनी तेज भगाएगा, इतनी तेज तांगा भगा के ले आएगा 100 की स्पीड में, मामा मामी ने सोची ना होगी। एक बार इस गधे को देखो, अबे पीछे क्या देख रहे हो, वो तो सिर्फ नाम का गधा है, असली खच्चर तो ये आगे वाला है, छाती कूटता हुआ। तो साला छाती कूटते कूटते छाती लाल कर अपनी। थारा भाई जोगिंदर एक गधे पे दूसरा गधा बैठा हुआ कैसा लगेगा, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। जामुन खाने आए हैं, जामुन, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इतने जामुन खा जाएगा, इतने जामुन खा जाएगा, इतने जामुन खा जाएगा। अरे खत्म हो गए, सारी दुनिया के जामुन खत्म हो गए, कितने जामुन खा जाएगा, इतने जामुन खा जाएगा। चुप हो जा सातवीं। अभी तुम्हें लग रहा होगा जोगिंदर भाई है अपने छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर शब्द की असली परिभाषा जोगिंदर ही है। यो जोगिंदर की बहन आ गई एक बार फिर से, जोगिंदर की बहन आ गई, यो यो क्या देखना पड़ रहा है। अबे दीपक कलाल भी यार, अभी तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया हूँ, आज से मैं भी यो निश्चय तारा भाई निश्चय, यो निश्चय तारा भाई निश्चय, इतना मुतेगा, इतना मुतेगा स्विमिंग पूल बना देगा, स्विमिंग भी करेगा। यो निश्चय थारा भाई निश्चय, इतना हगेगा, इतना हगेगा सुनामी आ जाएगा। यो निश्चय थारा भाई निश्चय, इतना पापा को बोलेगा, इतना पापा को बोलेगा के पापा भी बोलेंगे। मैंने देखा ये जितने भी लोग जोगिंदर पे वीडियोस बना रहे हैं ना, जोगिंदर उन सभी को रिप्लाई दे रहा है अपने इंस्टाग्राम पे, और उनको छपरी यूट्यूबर क्या क्या एड्रेस कर रहा है। कान खोल के सुन लियो छपरी यूट्यूबर। जोगिंदर भाई तुम्हें मेरे को रिप्लाई देना होगा, दे देना, लेकिन छपरी मत बोलना, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े छपरी तुम खुद हो। तुम्हारे बाल देखो, तुम्हारी ये हरकतें देखो, ये जो तुम छाती कूट कूट के जोगिंदर अब इतने केले खा लेगा, जोगिंदर ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, ऊपर से तुम्हारे ये कपड़े, तुम्हारी चाल ढाल, भाई छपरियों की लिटरल डेफिनेशन तुम हो। अगर डिक्शनरी में छपरी का मीनिंग होता ना तो वहां पे मेरे को तुम्हारी शक्ल दिखाई देती। अगर छपरियों का कोई राजा होता ना, जिसकी रोज रात को छपरी लोग पूजा करते होते, तो भाई छपरी मत बोल देना। कंट्रोल
कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं तुम्हें बता रहा था कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इस थारा जोगिंदर पे मैंने कम से कम 1000 करोड़ वीडियोस देख ली। मैं इतना इरिटेट हो गया कि मैंने फाइनली फेसबुक खोला, एंड इफ यू थिंक कि ये यो जोगिंदर इज क्रिंज, तो जो मेरे को फेसबुक पे प्रैंक्स भी नहीं है, हेल्पिंग वीडियोस के नाम पे जो बवासीर मिला, क्रिंज इनटू 100 हो गया। क्या बात है, वो देखो कैमरा ऑन है, आपको हम वीडियो में कैप्चर कर रहे हैं, अभी हम फेसबुक पे डाल देंगे, अब आप गए एक्सपोज हो चुके हो। अरे यार तू भाई, मैं पहले कैमरा है, ये ले भाई, तू मेरी प्रॉपर्टी ले ले, ये मेरी गाड़ी की चाबी ले ले, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई भाई, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आप तो भगवान समान है। देखा गाइस, इस वीडियो के जरिए हमने इसकी जिंदगी बचा ली। अच्छा, ऐसा भी चल रहा है। अगर अभी घटित घटनाओं को देखने के बाद आपने सोचा क्या बवासीर बना दी है, Fortify tell you, फेसबुक पे ये नया ट्रेंड चल रहा है भाई, जहाँ पे ये 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप है, ये पहले प्रैंक बनाते थे, अभी इनके प्रैंक वाला धंधा बंद हो गया है, अब इन्होंने हेल्पिंग वीडियोस का एक नया धंधा शुरू करा है। इन हेल्पिंग वीडियोस का ना सभी का एक ही प्लॉट होता है, एक दुखियारा पति, उसकी बीवी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पति को बहुत परेशान करती है, उसको मारती पीटती है पैसों के लिए, और पति जो है वो अब परेशान होके इन सो कॉल्ड प्रैंकस्टर्स, इन मसीहों के पास आया है मदद मांगने के लिए। पैसे मांगते हैं मेरे से, मेरे को मारते हैं, हम कैमरे के पीछे होंगे, एक बार हमें प्रूफ मिलेगा हम आ जाएंगे। इसके बाद एंटर्स द पत्नी एंड हर बॉयफ्रेंड, एंड अगले 10 मिनट तक दोनों मिलके उस पति का कचुंबर निकाल देते हैं, चपेड़े मारी जा रहे हैं और वो भाई खा रहे हैं, चपेड़े खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बेंच पे बैठा चपेड़े खाई जा रहे हैं, वो दोनों कह रहे हैं पैसे दे, वो कह रहे हैं क्यों दूं पैसे, और पिटी जा रहे हैं पैसे दे, समझ नहीं आ रहा तेरे, हैं तेरे समझ नहीं आया, इतनी देर से बोल लेते हो, तो जब है ही नहीं मेरे पास पैसे तो कहीं से भी लेकर आ। जब वॉच टाइम इनका कंप्लीट हो जाता है 10 मिनट का, तो एंटर्स द मसीहास, हमारे प्रैंकस्टर्स, और ये आके उस पत्नी और बॉयफ्रेंड को पीट देते हैं, और फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड और पत्नी जो है वो एंड में सॉरी बोल के चले आते हैं कि हमसे गलती हो गई। रियलिस्टिक केक भाई, बिना टच किए ही हवा का ऐसा प्रेशर जनरेट कर दिया, अगले ने उड़ जाता, वो तो सामने वाले ने पकड़ लिया, वरना ये तो भाई माफ कर दो भाई, केस क्लोज, पैकअप भाई, कोर्ट कचहरी क्या होता है भाई, व्हाट इज लॉ, आपने 5 साल लगाए लॉयर बनने के लिए, अबे पागल हो गया, प्रैंकस्टर बनते हैं, 2 चपेड़े मारते, सॉरी बोल के जाते सामने क्रिमिनल, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर। इनको छोड़ो भाई, ये तो नकली वीडियोस बनाते आए हैं, प्रैंकस्टर्स हैं, आगे भी बनाते रहेंगे, लेकिन इनसे भी महान है इनकी ऑडियंस, जो कमेंट सेक्शन में लिख रही है वेल डन, यू डिड एन अमेजिंग जॉब, एक्सीलेंट एक्सपोजर, ड्यूली सेविंग एन इनोसेंट, राइट ट्रीटमेंट इज गिवन, दैट गाय शुड हैव बीन गिवन स्ट्रिंजेंट ट्रीटमेंट। अरे अंकल इतनी अंग्रेजी झाड़ रहे हो, थोड़ी सी अकल भी लगा लेते, असली नकली के बीच का डिफरेंस नहीं समझ आता क्या, गालियां लिख रहे हैं लिटरली लड़की को, ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही है ना कमेंट सेक्शन में, मैं दिखा नहीं सकता तुम्हें, बिकॉज वी हैव अ फ्रैम फैमिली, बाय बाय बाय, दैट यू यू हैड यू, समझ जाओ किस लेवल पे क्या क्या बोला जाता है। आओ तुमको दिखाता हूँ मैं इनकी असलियत इस वीडियो में, वही सेम टू सेम स्टोरी, पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पति को मारती पीटती है और पैसे मांगती है, कम थोड़ा क्या तू नहीं बोलेगा क्या कम, यही वाली तो लड़की भी मुझे थोड़ी वो लग रही है माइनर, सुन तेरे को मैंने किस चीज के चमायला, क्या तुम लोगों ने भी कुछ सुना जो मैंने सुना, नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनो, भाई है ये मेरा, चल ठीक है भाई तेरे मुंह से गलती से निकल गए, लेकिन उसके बाद ये जो तूने जीप निकाल के अपनी गलती का हमें वो दिया है ना कि ओ शिट, अरे गलती से निकल गया, और फिर जो तुमने कट लगा के रिटेक, अबे सालो इतनी तो शर्म कर लेते, कम से कम एडिटिंग में इसको तो हटा देते, रियल हेल्प वीडियो बोल रहे हो तो थोड़ा सा रियल बना लेते, कह रहे क्या फर्क पड़ता है भाई, सस्ती वीडियो है, लोगों का काटना है, लोगों ने फिर भी मूर्ख बनी जाना है, जो वो बन भी गए, ये दुनिया बहुत खराब है मां, पीछे वो पत्नी लेजिट हंस रही है, उसके मुंह पे हंसी आ गई है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, इतना नल्ला नकली नकारा प्रैंक बना रखा है, एक्चुअली प्रैंक बोल देते ना एक बारी को तो मैं फिर भी मान जाता, हेल्पिंग पीपल इन ट्रबल, रियल हेल्प वीडियो बोल के ये जो नकलियत फैला रखी है, जनता माफ नहीं करेगी। एक और वीडियो जहाँ पे पत्नी जो है वो पति को पैसे के लिए पीट रही है, सेम स्टोरी है हर वीडियो की, सेम टू सेम स्टोरी है, बस आ गया है बचाने, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी, शेरलॉक होम्स हो तो तुमने ऑलरेडी देख लिया है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, लेजिट 1 गज की दूरी से हाथ निकला है, यहाँ से हाथ निकला है, यहाँ से वाह 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 वाह।
मिस हो गया पर आवाज कैसे आई थप्पड़ की, प्लीज गिव मी अ सॉलिड एक्सप्लेनेशन। चलिए जी अब इस वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, प्लॉट थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब एक दुखियारा कपल है जो हमारे मसीहा के पास आया है हेल्प मांगने, वही पार्क है, वही बेंच है जो पिछली वीडियोस में था, और अभी इनकी समस्या ये है कि लड़की की जो माँ है वो लड़के पे यानी कि अपने दामाद पे डोरे डालती है। राइट, तो अभी उन्होंने बुलाया सासू माँ को पार्क में, आइए देखते हैं फिर क्या होता है। मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ, आपके बात ये समझ में क्यों नहीं आ रही? आप उसकी माँ हो, मैं भी करती हूँ तेरे को, तुम कैसे बेटी से करते हो? तो मैं नहीं करता ना आपसे प्यार। इसके बाद अगले 10 मिनट तक वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये आंटी इस लड़के को चपेड़े मारती रहती है और यही बोलती रहती है तूने मेरी बेटी से शादी करी है, विच इज इक्वल टू तूने मुझसे शादी करी है, मेरी बेटी का पति जरूर है तो तू मेरा भी पति है, तुझे मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, और चपेड़े मार मार के उसको जबरदस्ती। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आपसे नहीं करता। आपको आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? मुझे पता है तुम्हें ये सुन के उल्टी आ रही है, बट दैट इज हाउ इट इज। 600 चपेड़े मारने के बाद फाइनली एंटर्स आंटी की बेटी। नहीं उठा सकते, ठीक है अगली को माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, उसको भी माँ मुझसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, वो भी हंसते हंसते बोल रही है कम से कम तो यार यू। इसके बाद आंटी दामाद को तो चपेड़े मार ही रही थी, अपनी बेटी को भी चपेड़े मारती है, उसको भी कहती है कि नहीं तेरा पति अब मेरा है, और फिर उसके बाद हमारा मसीहा आता है जो आंटी को बोलता है आपको शर्म नहीं आती आप अपने दामाद और बेटी के साथ ऐसे कर रहे हो? तो आंटी कहती है हाँ आप सही कह रहे हो सॉरी, और चली जाती है। हो गया भाई, ये तुम लोगों को एक्चुअली में समझ नहीं आता क्या कि कितना असली माल मैं तेरे बाप को मसीहा चल। यहाँ पर ये दुखियारी लड़की इस मसीहा के पास आई है इसकी हेल्प मांगने, क्योंकि इसकी बेस्ट फ्रेंड ने जो है इसकी गलत गलत फोटोज जो है वो खींच लिए है, एंड अब उसको ब्लैकमेल कर रही है वो पैसे के लिए। बोलना क्या है, फोटो बढ़िया ठीक है, फोटो बढ़िया फोटो का थोड़ा ना कुछ मत कर ठीक है, पैसे दे इधर। ओए एक सेकंड, अबे तो वही है, याद नहीं आएगा तुम्हें? अभी दो वीडियो पहले तो दिखाई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति से पैसे मांग रही थी, अब बॉयफ्रेंड भी बदल गया और अपनी दोस्त से पैसे मांग रही है। ये लड़की तो बहुत बड़ी स्कैमर है, और वो भी काफी मूर्ख वाली, जो बार बार रिकॉर्ड हो जाती है इसकी वीडियो, पकड़ी जाती है ऐसे, थोड़ी सी तो शर्म करो सालो, कम से कम लड़की तो दूसरी ले आया करो वीडियो में, वही लड़की से कभी अपना पति स्कैम करवा रहे हो, कभी उसकी बहन स्कैम करा रहे हो। सॉरी कैमरा बंद करवा दे। क्या सॉरी, आप सॉरी, कभी उसी लड़की को लाचार बना के भेज देते हैं। ये है इनकी ओरिजिनल हेल्प वीडियोस, सारे के सारे जो कल्प्रिट्स होते हैं उनकी आवाज एकदम परफेक्टली आ रही होती है, क्योंकि क्या उनके माइक लगा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो भाई, रियल प्रैंक वीडियो, प्रैंक नहीं है, रियल वीडियोस है, हेल्प वीडियोस। मैंने आज की वीडियो बनाने के लिए जितनी ये वीडियोस देखी है ना, मेरा सच में दिमाग घूम चुका है, एंड उससे दिमाग घूमता है जब मैं देखता हूँ कि लोग इन सारी वीडियोस को एक्चुअली सीरियसली लेते हैं। एनीवेज गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में एक बार फेयर यूज के बारे में याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे छुछुंदरों को ना कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे हम, वो करने का बहुत शौक है। तो भाई फेयर यूज के बारे में पढ़ लियो। Goodbye, ये बात बहुत सही करी भाई ने कि देखो एक क्या होता है, जैसे न्यूज रिपोर्टिंग होती है हर चीज होती है जो रोस्ट भी करता है, एक क्रिटिसिज्म एक उस चीज के लिए वीडियो बनाते हैं, और इसमें कोई गाली गलौज कुछ नहीं थी, कुछ जो नहीं आपने हरकतें करी हैं, जो कुछ वीडियो आपने बनाया उसके ऊपर कमेंट करी है, उसके बारे में आपने अपने पर्सपेक्टिव अपना नजरिया रखा गया उन चीजों के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एक कैटेगरी है। जैसे न्यूज रिपोर्टिंग होती वैसे ही एक बंदा अपने चैनल के थ्रू एक क्रिटिसाइज कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है उसके ऊपर, या अपना पर्सपेक्टिव या व्यू दे रहा है, तो ये फेयर यूसेज में आती है। कई लोग सोचते हैं अरे मेरी क्लिप यूज कर दी कॉपीराइट स्ट्राइक मार, ऐसे तो फिर भाई सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी न्यूज मीडिया जब वो कहेंगे ना कि इनका परफॉर्मेंस खराब हो गया, विराट कोहली अनुष्का की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे ये, तो वो भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे, थोड़ा सेंस बनो क्यों बिना मतलब कि कोई देखो भाई बड़ा क्रिएटर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ट्रेडर भाई है या तो थगेश भाई, अगर कोई इन पे मारता है स्ट्राइक कुछ नहीं करना, केस कर दें फेयर यूसेज में, ये जीत जाए तुम्हारे लॉयर के पैसे लग जाए बिना बात के। ये चीज है सेंस वाली कि फेयर यूसेज कैटेगरी बनाई इसलिए गई है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज सही लगती है गलत लगती है आप कुछ कमेंट करना चाहते हो उसके ऊपर, वो चीज जैसे रिएक्शन वीडियोस बनाई गई है वैसे ही फेयर यूसेज में वो चीज बनाई है, आप कमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम या कुछ वीडियो बना रहे व्लॉग डाल रहे हम रिएक्शन दे रहे कुछ भी, कितने लोग आगे कमेंट करके जाते हैं, करते हैं ना, उस पे कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ बुरी कमेंट भी करते हैं अच्छी भी करते हैं,
उसी तरह से लोग क्या अपनी बात वीडियो के थ्रू बोल रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे उस चीज को। ये चीज बहुत बड़ी बात करती है भाई, फेयर यूसेज कई लोगों को पढ़ लेना चाहिए। और जैसे हम रिएक्शन देते हैं, हम क्रिएटर के ऐसे तो ट्रिगर्ड भाई भी हम पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारते सीधा सीधा, ये क्यों मेरी पूरी वीडियो उठा के डाल देते। एक रिएक्शन जॉनर अलग है, फेयर यूसेज पॉलिसी में एक वो जो जैसे भाई ने कहा ना क्लिप्स यूज करते हैं वो क्रिटिसाइज कमेंट्स करने के लिए, उनके ऊपर पर्सपेक्टिव देने के लिए, वैसे वो उनका रिव्यूज है। तो ये चीज होती है थोड़ा समझदार लोग मार्केट, मतलब देखा है कोई मूवी रिलीज होती है ठीक है किसी भी स्टार की, सिनेमा हॉल के बाहर लोग माइक लेके कितने वो होते हैं, आपको मूवी कैसी लगी, अगर रेटिंग दो तो कितना, न्यूज वाले पूरी बताते हैं ये मूवी कैसी लगी, पूरा रिव्यू, तो फिर वो तो तुमने स्टोरी लीक कर दी, बताई कैसे थी, ये चीज है ना। तो ये थोड़ा समझना चाहिए। और वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत ही मस्ती मजाक की थी, कोई इंटेंशनली कोई गाली गलौज कुछ नहीं था, जो चीज थी उन्हीं के ऊपर कमेंट थी, कोई पर्सनल हेटरेड बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे को मजा आके वीडियो देख के आपको कैसे लगी बताना जरूर। मिलते हैं आपसे एक और तब तक, और ये जो चीज़ है ना ये हेल्पिंग अदर्स, ये वाला थोड़ा सा कुछ ज्यादा करना है करो, नो डाउट, लेकिन इतना फेक नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल दिख जाए, जैसे वो जीभ निकाल रहा था वो सब। अब वो एक ही बंदी थी दोनों। हाँ, ये एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे करो बिल्कुल, थोड़ा सा लेकिन उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक रखो, देखने में लगे थोड़ा सा तो रियल था, क्योंकि कई बार वही कास्ट और वही चीज गड़बड़ कर जाते हैं। वैसी कर दी ना कि वो उससे पता ही नहीं, वाइफ नहीं आती। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।